आखिरी बॉल पर 2 रन बनाकर फाइनल में पहुंचा श्रीलंका। मैदान पर फूट फूट कर रोने लगे बाबर आजम। जी हां दोस्तों, डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका ने एशिया कप 2023 के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। टीम ने गुरुवार रात को रोमांचक सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान को 2 विकेट से हराया। बता दें कि आखिरी 2 गेंद पर श्रीलंका को 6 रन की जरूरत थी। चरित असलंका ने अगली गेंद पर चौका लगाया और आखिरी गेंद पर 2 रन लेकर टीम को रोमांचक जो है जीत दिला दी। टीम 11वीं बार जो है वनडे जो है एशिया कप के फाइनल में पहुंची है। 17 सितंबर को कोलंबो के मैदान पर खिताबी मुकाबले में श्रीलंका का सामना भारत से होगा। टॉस हारकर गेंदबाजी करने उतरी श्रीलंका को गेंदबाजियों ने जो है काफी बढ़त दिलाई। पाकिस्तान की आधी टीम 130 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट चुकी थी, तभी जो है बारिश आ गई और मैच रोकना पड़ा। बता दें कि यह बारिश पाकिस्तान के लिए सौगात की बारिश साबित हुई। जब दोबारा खेल शुरू हुआ तो पाकिस्तान ने महज 74 गेंद पर 122 रन बना दिए। मोहम्मद रिजवान और इफ्तिकार अहमद ने सेंचुरी पार्टनरशिप कर टीम का स्कोर 252 रन तक पहुंचा दिया। आखिरी 2 ओवर में टीम को जीत के लिए 12 रन बनाने थे। ऐसे में चरित असलंका ने जिम्मेदारी भरी जो है पारी खेली और नाबाद 49 रन बनाते हुए अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। तो फिलहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं। क्रिकेट की हर खबर, क्रिकेटरों के बीच में कंट्रोवर्सी और उनके बीच इनसाइड स्टोरी पर भी रहती है हमारी नजर। क्रिकेट के इंटरव्यू से लेकर उनके पर्सनल लाइफ तक हम रखते हैं आपको हमेशा अपडेट। इसलिए अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें।